कंगना रनौत आए दिन नेपोटिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही क्वीन एक्ट्रेस लगातार बॉलीवुड के बड़े नामों को घेरे में ले रही हैं और दावा कर रही हैं वह बॉलीवुड गैंग चला रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री और सोशल मीडिया भी इस मुद्दे के बाद दो गुटों में बट गया है। कई लोग कंगना का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ उनके बोल्ड बयानों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस नगमा ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कंगना को पखंडी कहा। नगमा के इस ट्वीट पर कंगना ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। नगमा के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ तस्वीरें शेयर की और यह साबित करने की कोशिश की कंगना ने भी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भाई भतीजावाद की मदद ली। इसमें आदित्य पंचोली, ऋतिक रोशन और कई लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप का जिक्र किया। वहीं टीम कंगना रनौत ने नगमा को जवाब दिया। कंगना रनौत ने पोस्ट किया कि कंगना रनौत ने कभी आदित्य पंचोली को डेट नहीं किया और उन्हें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के साथ क्रिश 2 करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ट्वीट में एक्ट्रेस की टीम ने कहा, कोई भी एजेंसी कंगना रनौत के लिए काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए शादियों में डांस नहीं किया था, ना ही किसी फेयरनेस क्रीम का ऐड किया। इसके बाद उनकी बहन रंगोली ने उनके नाम को संभालना शुरू कर दिया। वहीं कंगना के फैंस लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और नगमा को उनकी टिप्पणियों के लिए ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल नगमा ट्वीट पर ट्रेंड कर रही है क्योंकि कंगना के फैंस उन्हें उनके ट्वीट के लिए लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। यूजर्स उन्हें फ्लॉप स्टार तक कह रहे हैं। बता दें कि सुशांत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद, पक्षपात और स्टार किड्स के पसंदीदा होने की बात छिड़ गई है। जहां स्टार्स इस बात को लेकर चुप्पी साधे हैं, वहीं कंगना ने इन मुद्दों पर बेबागी से जवाब दे रही है। मैं हूं आपके साथ साधिका कौर, जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से।